Thanks for tuning in to my Bollywood body. मैं आपका हूँ सनी विद सल्लू भाई एंड जेड नॉर्थ के साथ. ये जेड नॉर्थ है ना साले, उनको भी एंडोर्स, फ्री एंडोर्स. लोग कहते हैं भाजी पैसे लोग एंडोर्स करो, असि उदा ही फ्री भाजी की शर्ट ही फ्री दे दो, who cares. आज आपके साथ हम शेयर करेंगे टॉप 5 ट्रैप्स की एक्सरसाइज, ये जो आपके कुप्पड़ शुप्पड़ जो आपके मोटो के ऊपर निकलाते हैं उसकी एक्सरसाइज. इवन दो इट्स सच अ मसल, जैसे फोर आर्म्स और ट्रैप्स और एब्स खाली जाके नहीं लगाने चाहिए कि हाँ जी जिम से जाके आज की करने के लिए ट्रैप ही लाई जाने. नो, स्मॉलर मसल यू कैन ऑलवेज स्क्वीज इन बिटवीन एक्सरसाइजेस व्हेन यू डूइंग शोल्डर्स बैक बाइसेप्स, यू कैन ऑलवेज स्क्वीज दीज वर्कआउट्स इन. बट टॉप की 5 एक्सरसाइजेस जो ट्रैप्स के लिए हैं कौन सी हैं? नंबर 1 के ऊपर डंबल श्रग्स. आज जी जो डंबल श्रग्स हैं, हाउ डू वी डू डंबल श्रग्स? आपने दोनों हाथों में डंबल पकड़ने और इस एक्सरसाइज में जितना आप भारी जा सकते हैं उतना आपके लिए बेटर है. ठीक है, ड्रॉप योर शोल्डर्स बैक, अपने आपने शोल्डर्स पीछे गिरा देने. जब पीछे गिरा दी आपकी ये जो ट्रैप का मसल है, कूपन का मसल है, वो आइसोलेट हो जाता है. यू गो अप, पॉज, ब्रिंग इट डाउन. सो सी देयर इज अ पॉज, ऑलवेज डोंट डू दिस, देयर इज नो पॉइंट. गो अप, pause. So when you pause, there's a lot of blood and oxygen that rushes into your traps. So you got to make sure up, pause, stretch. Awesome. Up, pause, stretch. Stretch means you stretch this muscle. Up, pause, and stretch. That's your number one exercise. It's called dumbbell shrugs, जो कि दो डंबलों के साथ आप लगाते हैं. Moving on to your second exercise. It's called barbell shrugs. And barbell shrugs के अंदर भी दो तीन different variations हैं. हम आपको पहले basic variations के साथ बताते हैं. A lot of the times जो gym में आप लोगों को देखें, people do a lot of barbell shrugs because you can add a lot and a lot and a lot of weight. ठीक है, keeping hands on the side, आपकी grip इतनी छोटी होनी चाहिए जितने आप खड़े हैं, shoulder width apart, आपके पट्टों के साथ आपके हाथ आने चाहिए. Go up, same, pause and stretch. Awesome. Up, pause and stretch. Down. Up, pause and stretch down. That's your exercise number 2, barbell shrugs. वही एक्सरसाइज लेकिन बारबेल के ऊपर. थर्ड एक्सरसाइज, स्पेशली अगर आपने रियर डेल्ट्स ट्रेन किए हुए, इट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज टू हिट योर ट्रैप्स. इट्स कॉल्ड बिहाइंड द नेक श्रग्स. आपकी जो बार है वो आपके चित्रों से पीछे आएगी, आपके शोल्डर से पीछे आएगी. अप, पॉज एंड स्ट्रेच. अप, पॉज एंड स्ट्रेच. अप, एंड दिस एक्सरसाइज इज हार्डर. आप आगे वाले के अंदर 3-4 प्लेटें डाल के लगा सकते हैं, पीछे वाले में आपको आधा वेट उठाना पड़ेगा. इट हिट्स योर ट्रैप्स प्रीटी वेल. नॉट ओनली दैट, इट एक्चुअली हिट्स योर रियर डेल्ट्स एज वेल. दैट्स व्हाई अगर आपने ट्रैप वगैरह किसी शोल्डर के वर्कआउट में डाले, मेक श्योर रियर डेल्ट थोड़े से लगा के देन हिट योर ट्रैप्स. अप, पॉज एंड ड्रॉप. ऑसम, स्लोली पुट इट अवे. गुड जॉब. स्लोली. द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट वी आर डूइंग इज कॉल्ड, जो हमारे चौथे नंबर पे है, इज कॉल्ड फार्मर वॉक. ये एक्सरसाइज आपके कोर के लिए भी बहुत अच्छी है, ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर्स के लिए और ट्रैप्स के लिए भी बहुत अच्छी है. सो हाउ डू यू डू इट? सेम, सुलू भाई डंबल साथ में रख लिए, चेस्ट उठाएं, अप योर शोल्डर, कोर टाइट, नाउ वॉक. सो बेसिकली एग्जैक्टली लाइक आप जो आपकी श्रग की पोजिशन है, यू आर इन योर, कीप वॉकिंग, आप अपनी श्रग की पोजिशन में रहते हैं. यू गॉट टू कीप योर कोर टाइट, अप डाउन, पॉज एंड स्क्वीज एंड वॉक. And by the time, to be honest, आप 25-30 step लेंगे, that's it, आओगे shoulder के पटाके निकल जाएंगे, because there is a constant blood supply of blood rushing into your traps. That's about it. So this we normally recommend कि अगर आपने उठाना है और चलना फिरना है तो 30-45 seconds आप walk करें. And don't अम्मा या अब्बा बन के बहुत भारी weight उठा लें, because आपकी MCBC हो जाएगी मोटो की. So you gotta make sure moderate से heavy weight रखें, don't go for extreme heavy weight. Up, shoulders drop back, trap isolated, core tight, ताकि आपकी कमर में चुकना पड़े, and then walk, all the blood rushes right into your trap. And fifth exercise that we're going to do is called rear delt flies. अब लोग कहते हैं rear delt would not hit your traps. 110% ये आपके traps को भी hit करेगी, but depending on आप किसको किस तरह के workout में रखते हैं. Let's go. Rear delt, अब again देख ले, it not only hits your rear delt, you will see every time he comes back, आपके जो trap हैं उनको आप उनको tight करता है. See? आपके trap भी tight होते हैं. Not only your rear delt, आपका ट्रैप भी टाइट होता है. लाइक ओनली अगर आप कैमरे में से निकल के सल्लू भाई को टच कर सकते थे तो आपको पता लगता है उनका ट्रैप कितना टाइट है. यू कम बैक, यू स्क्वीज एंड वापस आए, वापस स्क्वीज. दो रिमेंबर दिस, स्क्वीज एंड स्ट्रेच. दिस इज स्ट्रेच एंड दिस इज स्क्वीज, जस्ट लाइक स्ट्रेच एंड स्क्वीज, जस्ट लाइक स्ट्रेच एंड स्क्वीज. सो यू गॉट टू मेक श्योर दिस इज स्क्वीज एंड दिस इज स्ट्रेच. सो स्क्वीज के ऊपर जितना काम करेंगे, जितना जोर से करेंगे, उतना आपके ट्रैप्स और रियर डेल्ट के ऊपर हिट करेंगे. दैट्स अबाउट इट. ये 5 एक्सरसाइजेस हैं. वी रेकमेंड साइज डालने के लिए 4-6 सेट, डिपेंडिंग आप कितना वेट उठा रहे हैं. अगर तो वेट बहुत भारा है, देन 10 से 12 रेपिटेशन जाएं. अगर वेट आप मॉडरेट रख रहे हैं, 15 से 20 रेपिटेशन, नो बिग डील. यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करना मत भूले, माई बॉलीवुड बॉडी. फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर. रब दी मेरे नाल, दिस वीक वी आर गोना हिट अ मिलियन सब्सक्राइबर्स. लोग तो स्पेशल स्पेशल वीडियोस बनाते हैं, और आपके लिए स्पेशली सल्लू भाई ने लेंस पहन ली है. क्या बात है, आज काला
वो काला जोड़ा था, काला चश्मा बा मेरी फरमाइश थी। चलो कोई बताया 1 मिलियन का मैसेज देने सालों को। मैंने कहा लोगों को ये 1 मिलियन नहीं है, हमारे 4 मिलियन फॉलोअर है, लोग मानते नहीं है। यू नो व्हाई? बिकॉज देसी फॉलोअर ठरकी बढ़े यार, वो एक बंदे में चार चार बंदा जितनी ठरक है, ये हमारे 1 मिलियन ही 1 मिलियन ठरकी फॉलोअर है। ये 4 मिलियन फॉलोअर है सारे नंगे नंगे। That's why इतने views हैं। अब चार एक बंदा है वो एक वीडियो को ना 4 बार देखते हैं, क्या पता यार थोड़ा बहुत कहीं से कुछ नजर ही आ जाए। That's why we have so many लोग कहते हैं यार आपके इतने इतने सब्सक्राइबर इतने views कैसे? That's why इस ट्विटर की फॉलोअर्स थे भी। With all love, thank you very much for so much support.